हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोप मोटो व्लॉग। तो यार बात है कुछ ऐसी, देखो तुम्हारे भाई जो है वो आया था एक ऐसी ट्रिप पे, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था एक्चुअली मैं कहाँ जाने वाला हूँ, पर मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मेरा जो मन था अचानक से कहीं पहाड़ियों में घूमने का बन गया और मैं घर से जो है वो निकल पड़ा था। और उसके बाद चलते चलते बस मन हुआ क्यों ना देहरादून के आसपास कहीं घूमा जाए। तो फाइनली देहरादून आने के बाद मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना मैं धनोल्टी जाऊं, और उसके बाद में मैंने पूरा प्रोग्राम बना लिया है और हम हैं इस समय ऑन द वे। धनोल्टी जो है यहाँ से 20 किलोमीटर ही है, और उसके बाद मैंने जो भी व्यूज़ हैं वो सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए हैं और आपके लिए मैं पूरे व्लॉग की तैयारी कर रहा हूँ। और जल्दी ही जो व्लॉग है वो धनोल्टी वाला व्लॉग आपके लिए आ जाएगा, और जो धनोल्टी के बीच के रास्ते के नज़ारे होंगे वो आपको मैं दिखा दूंगा कम्प्लीटली। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वैसे ही आपको लगातार वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। तो बने रहना यार वीडियो में, दिखाता हूँ मैं आपको रास्ते के नज़ारे, और चलते हैं जल्दी से धनोल्टी और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे से स्पॉट पर। तब तक के लिए बने रहना वीडियो में। यार देखो बात है कुछ ऐसी, अपना जो ये राइड का प्लान है वो कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, बस एक्चुअली मैं थोड़ा फ्री था और बस घर से निकल पड़ा था और मैंने सोचा क्यों ना अपनी YouTube फैमिली को भी कुछ पहाड़ियाँ और वहाँ की जो वादियों के नज़ारे वो दिखाए जाए। तो अब फाइनली जब मैं देहरादून आया तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपना धनोल्टी की तरफ जाया जाए और अपनी YouTube फैमिली को भी लेके जाए। जाया समथिंग 30 किलोमीटर, और अभी अभी पीछे कट आया था, वहाँ से लेफ्ट जो रास्ता है वो जाता है मसूरी। और मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं आज जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ वो मैं अपनी बाइक से नहीं कर रहा, आज अपनी जो क्वीन है वो अपना घर पर ही है। मैं आया था लोकल ट्रेन और बस के द्वारा, और यहाँ पर आकर मैंने एक टैक्सी ले ली है और अब यहाँ पर बैठे हैं। एक ईको ले रखी है हमने किराए पर, कुछ और भी पीछे सवारियाँ भरी हुई है तो अब उसी में है, और अपना जो व्लॉगिंग है वो अपना चालू कर दिया है। बस बाकी जो पीछे की चीज़ है गाइज वो भी मैं आपको रिकॉर्ड कर लेंगे, दिखा देंगे, आप चिंता मत करो। और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना एकदम अल्टीमेट लेवल के हैं यार, जो मतलब पहाड़ियों में होता है एक्चुअली वो सब चीज़ें आपको जो देखने को मिलेंगी, मतलब यहाँ के रास्ते, पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़ियाँ, झरने, वो मैं सभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ कि मुझे ना पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता है, और जिन लोगों को लगता है कि पहाड़ों में काफ़ी डर लगता है या ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ यार एक बार। जो भी आते हैं शुरू में लोग उनको सभी को ऐसा ही लगता है। और आगे बोर्ड लगा है, आगे मार्ग संकरा है, कृपया धीरे चलें। ठीक है ड्राइवर साहब, आप थोड़ा धीरे चलना। और देखो यार साइड में जो है चट्टानें कितनी अल्टीमेट लग रही है, और आगे लगा हुआ है जाम गाइस, और उत्तर काशी 115 ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा है। और यार गाइज यहाँ ना अभी फिर वापस कभी किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो आएंगे बाइक के साथ। और देखो यार छोटी गाड़ियाँ ना बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं पहाड़ों के अंदर, मैंने तो अक्सर देखा है,
और पहाड़ियों में ना ज्यादातर आप देखना कभी भी अल्टो 800 या खाली अल्टो या फिर i10 इस तरह की जो छोटी गाड़ियां है ना वही चलती हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना, इनका जो डायमीटर होता है ना वो बहुत नॉर्मली होता है, एवरेज ही होता है, जिसकी वजह से छोटे रास्तों पे जो गाड़ियों को ओवरटेक करने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप आ रहे हो, मतलब दो तीन लोग ही आ रहे हो पहाड़ों में, तो कोशिश करो कि छोटी जो है हैचबैक ही लेके आओ यहाँ पर आप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको निकलने में काफी दिक्कत। और सामने का व्यू देखो यार भाई साहब, लाइट गाइज मुझे एक अच्छा सा व्यू नजर आया, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए। देखो यार कितनी प्यारी चट्टानें हैं, कितनी अच्छी लग रही है। और यार यहाँ पे ना बाइक से आने का एक अलग ही मजा है, और हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि एक जो ट्रिप है वो बाइक से प्लान की जाए पहाड़ियों की। और यहाँ देखो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा झरना था, पर लेकिन वो सूखा हुआ था। कुछ यहाँ पर ऐसे बंदे भी आते हैं जो साइकिल से ट्रैक करते हैं यहाँ पर, इसकी भी बात ही कुछ और होती है यार, बहुत मेहनत लगती है साइकिल लेके इतनी ऊपर तक आना। इधर से जाने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, खाली एक पैडल मारो और सीधा नीचे देहरादून। और देखो सामने जा रही अपाचे RR 310। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास डोमिनार 400 थी और एक भाई के साथ पास थी RR 310, और एक हुई थी खतरनाक रेस जिस बैटल में जीती डोमिनार 400, क्योंकि RR 310 यार इतनी नहीं जाती, 155-160 तक ही जाती है, और तुम्हारे भाई ने डोमिनार पहुंचा दी थी उस दिन ऑलमोस्ट 170 के समथिंग, और काफ़ी मज़ा आया था यार उस रेस में। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा जो डोमिनार है उसके साथ जब उसको लेके निकलेंगे ट्रैक के ऊपर, और नज़ारे होंगे अल्टीमेट भाई। रोड था NH9, बहुत ही प्यारा रोड था, क्या बात थी यार डोमिनार पर। लेकिन देखने में RR 310 भी प्यारी लगती है फुल फेयरिंग बाइक में। और देखो यार ऊपर के नजारे, पीछे एक सवारी ने बोला कि ऊपर की तरफ का नजारा दिखाओ, और हमारी जो सवारी अभी पीछे बैठी है, मैंने सभी को अपने YouTube चैनल के बारे में बता दिया है, सभी ने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया है, थैंक यू गाइज। काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब मुझे तो, और आप भी जो वीडियो को एंजॉय करो और शेयर कर दिया करो यार अगर अच्छी लगा करे वीडियो। तो लाइट गाइज देखो बात है कुछ ऐसी, चलते चलते एक अच्छा सा स्पॉट मुझे नजर आया, क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो देखो यार आप नज़ारे कैसे लग रहे हैं, और हाइट इतनी ज़्यादा है कि नीचे की तरफ बादल नज़र आ रहे हैं, पर लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जो व्यू है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। अब देखो यार, पर लेकिन वैसे नॉर्मली आंखों से देखने में ना बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपको आना है तो आ सकते हैं आप सीधा, पहले आपको सीधा अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हैं तो सहारनपुर के बाद आपको पड़ेगा फिर सीधा देहरादून, और उसके बाद आपको सीधा आना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपकी अपने पास की खुद की गाड़ी है तो उस पर भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं, आप किसी भी तरह से यहाँ पर आ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो देखो यार यहाँ के नज़ारे, और बताना भाई तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। तो यार देखो आपको सामने जो है वाइट वाले पहाड़ नजर आ रहे होंगे, काफी अच्छा लग रहा है यार देखने में, बहुत ही प्यारा व्यू है। बने रहे ना वीडियो में, बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यू जो भी होंगे आपको मैं पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। और आज धूप जो है वो काफ़ी तेज़ होने की वजह से जो बर्फ़ है वो थोड़ी बहुत पिघल चुकी है, पर लेकिन सामने जो हाइट पे है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप देखो बिल्कुल सामने की तरफ जो पहाड़ है पूर्ण रूप से बिल्कुल ढके हुए हैं बर्फ़ से यार। सो लाइट गाइस अब देखो यहाँ पर बर्फ़ जो है वो काफ़ी ठीक ठाक पड़ने चालू हो गई है, और मैं आपको दिखाता हूँ जरा यहाँ का व्यू, आप देखो यार कितनी अच्छी जमी हुई है गाइस, और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, और आप आ जाओ यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। मतलब मैं तो यार वैसे ही सोच रहा था कि धनोल्टी चलते हैं बस ऐसे ही,
और यहाँ आके देखा तो वास्तव में एक प्यारी जगह है यार। देखो साइड में ब्लैक आइस भी है और व्हाइट आइस भी है, दोनों ही तरह की आइस यहाँ पर है। और अभी जो मौसम है वो थोड़ा सा गर्म है, ऐसी बात नहीं है, अगर थोड़ा बारिश वगैरह का मौसम होगा तो यहाँ पर जबरदस्त स्नोफॉल होता होगा यार।